नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, तो मैंने ये जो क्वेश्चंस है इसमें से मैंने क्या किया, मैक्सिमम एप्लीकेशन बेस्ड में निकालने की कोशिश किया है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन क्या है। पहला, जैसे आपको अभी ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का एक चैप्टर है उसमें, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो यूनिट होता है, मतलब अभी कैसे हाइड्रोलिक में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है वो किससे होता है, स्विचेस, रिलेज, टाइमर एंड सोलेनाइड, ये चार कंपोनेंट करके क्या कर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, वो क्या क्या रिलेज, टाइमर एंड सोलेनाइड। फिर इलेक्ट्रॉनिक में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सर्किट है तो उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है पीएलसी, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल एंड माइक्रोप्रोसेसर, ये दो चीज़ों का यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं। अभी क्या है, कैसा है कि रिलेज टाइमर में क्या होता है, कंबसम प्रोसेस है, आपको कनेक्शन देने पड़ते हैं, लेकिन पीएलसी में क्या होता है कि आप प्रोग्राम फिट करके डाल दो, फिर वो अपने आप काम करते रहता है। अभी लोब पंप है, लोब पंप कहाँ पे यूज़ होता है, हाई वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट इज नीडेड, जब आपको हाई वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट की जब ज़रूरत होती तब क्या होता है, लोब पंप का यूज होता है। अभी गियर मोटर्स, आपको बताएं पंप का काम क्या है कि हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड क्या करना, सिस्टम को देना है, लेकिन मोटर का काम क्या है, वो हाई प्रेशराइज लिक्विड लेता है और उससे कुछ तो आपको आउटपुट देता है, शाफ्ट रोटेट करता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक्सटर्नल गियर मोटर्स आर यूज्ड वेयर हाई स्पीड एंड लो टॉर्क आर नीडेड, ठीक है, एक्सटर्नल गियर जहाँ जहाँ मोटर है वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको स्पीड क्या चाहिए, हाई चाहिए और टॉर्क क्या चाहिए, लो चाहिए। फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ सेमी रोटरी एक्चुएटर्स, आपको पता होना चाहिए कि कुछ रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंगल में मूवमेंट करते हैं, पूरा रोटेट नहीं होते हैं। उसका इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लिफ्टिंग, टिल्टिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंडेक्सिंग, स्विंगिंग एंड बेंडिंग, ये सारे जो एप्लीकेशंस है आपके जो हाइड्रोलिक फिक्सर्स होते हैं वहाँ पर उसका यूज़ होता है। फेल सेफ सर्किट कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि फेल सेफ मतलब क्या, कंसीडर करो कोई ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहा है, हाइड्रोलिक मशीन पे, और उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, आपका एक डिवाइस होता है जो पंप और जो मेन डीसी वॉल्व है उसके बीच में रहता है, वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि एक फेल सेफ सर्किट उसको कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी के क्या काम कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट है और आउटपुट है, ये तीन कंपोनेंट है आपके पीएलसी के। नेम द कॉमन मेथड्स यूज फॉर डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट, अभी ये जो लॉजिक सर्किट बनाते हैं, आपको लॉजिक सर्किट के भी है वहाँ पे एग्जाम सिलेबस में है आपके, तो क्या क्या है, क्लासिक है, कैस्केड है, स्टेप काउंटर है, केवी मैप है और कंबाइंड सर्किट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक रिले कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक रिले में क्या होता है कि उसका जो कॉन्टैक्ट होता है ओपन या क्लोज होता है वो किस पे, किसके इस पे होता है, जब उसकी कॉइल एनर्जाइज होती है तब वो रिले क्या करता है, काम करता है। ये इतने क्वेश्चंस थे, आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।